कपड़ा के अंदर सब कोई नंगा। त्रिशाकर मधु का पवन सिंह ने हाथ थामा है, लेकिन पवन सिंह सर से भी एक निवेदन होगा मेरा कि आप लोग केवल लड़की को काम देते हैं। कौन इंसान दूध का झूला है जरा बताइए मुझे। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक काम के लिए तरसती थी त्रिशाकर मधु के एक वीडियो वायरल होने की, जो कपड़ा के अंदर सब कोई नंगा है, कुछ लड़कियां भी हमारा इंडस्ट्री को बर्बाद कर दी। पवन सिंह ने त्रिशाकर मधु का हाथ थामा तो शिवेश मिश्रा कितना सपोर्ट में? बहुत ज्यादा। पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो, अगर किसी को काम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात। क्या भोजपुरी में काम करने के लिए हर एक जो हीरो है या कोई मतलब कलाकार है उनके साथ बिस्तर होके जाना पड़ता है तभी? है माइका लाल, कितना लोग है जो अपने बेटी को लेके आ सकता है कलाकारी लाइन में? इसके लिए जिगर चाहिए जो अपने बेटी को इस लाइन में भेज। क्या त्रिशाकर मधु को आप अपने साथ काम करना पसंद करेंगे? क्या आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा छवि खराब होगा उनके साथ? मैं ऑलरेडी काम किया हूँ बंगाल से आकर लड़की, और हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ा रही है, तो हमारा सीना तो फक्र से चौड़ा होना चाहिए ना। वीडियो था, लोगों ने दोगलाईगिरी किया उनके साथ। अब उनके साथ जो जो काम करते हैं ना, तो लोग उसके लिए गलत लांछन भी उड़ा देते हैं कि पवन सिंह के साथ काम कर रहा है तो कुछ न कुछ बात होगा। दोस्तों अभी जिस फोटो को आप देख रहे हैं इनको सोशल मीडिया पे आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। जी हाँ, बता दें आपको, ये पवन सिंह है और त्रिशाकर मधु है, और त्रिशाकर मधु के एक इंस्टाग्राम आईडी जो वेरीफाइड अकाउंट है उससे एक पोस्ट शेयर हुआ है और इन्होंने लिखा है कि बिग ब्लास्ट कमिंग सून। आपको बता दें कि एक दौर ऐसा था जब त्रिशाकर मधु जो है ये बहुत रो रही थी, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक काम के लिए तरसती थी, हालांकि इनका वीडियो जो है वायरल हुआ था इसलिए इनको काम मिलना बंद हो गया था, लेकिन पवन सिंह ने एक बार फिर से जो है त्रिशाकर मधु का हाथ थामा है। अभी हमारे साथ भोजपुरी के सिंगर शिवेश मिश्रा हैं और भैया हैं, इन लोगों से हम जानना चाहते हैं क्या जो ये की थी उनके बाद पवन सिंह ने हाथ थामा है, ये बढ़िया किया उन्होंने या भोजपुरी को और गंदा कर रहे हैं? स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग को नतमस्तक प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है सब लोगों से। दो तरफा कमेंट आ रहा है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने त्रिशाकर मधु का हाथ थाम के बहुत बढ़िया किया, एक लड़की है जो कि काम नहीं मिल रहा था, कुछ कर नहीं पा रही थी। दूसरे तरफ ये भी कह रहे हैं कि भोजपुरी को फिर से गंदा कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए दो तरह के लोग दुनिया में सही में, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो वो तो भगवान के लिए भी वैसा सोच है लोगों का। अब रही बात इनको पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे में लेने का, तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि पवन सिंह हाथ थामे हैं तो बहुत अच्छा काम किए हैं, कुछ लोग सर ये कह रहे होंगे कि जरूर कुछ ना कुछ बात है, फिर उसी तरह का कुछ माहौल होने वाला होगा। तो लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मेरा ये सोचना है कि एक कलाकार पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव हो या निरहुआ हो या रवि किशन हो या कोई भी अदर वे कलाकार, नीलकमल हो, दिस डेट सब कोई, अगर किसी को काम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे भोजपुरी के लिए। भोजपुरी गर्त में नहीं जाके स्वर्ग में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये हम लोग के बहुत खुशी की बात है। रही बात त्रिशाकर मधु के एक वीडियो वायरल होने की, जो पहले वायरल थी, जिसके बारे में लोग घटिया कमेंट किए, वीडियो देखकर अलग अलग चीज प्रदर्शित किए, तो वो तो मान लीजिए कि कपड़ा के अंदर सब कोई नंगा है, और कौन इंसान दूध का धुला है जरा बताएंगे मुझे आप? कोई इंसान दूध का धुला हो, इस इंडस्ट्री का हो या फिर घर का हो या फिर कहीं का हो, हर कोई अपने आप को बहुत कहता है कि मैं सती सावित्री हूं, लेकिन ऊपर वाला से कुछ छिपा हुआ नहीं है, किसी न किसी में कुछ न कुछ प्रेम प्रसंग या फिर वो प्रेम वाला कुछ ऐसा सब कोई के पास है। कोई छिपा के करता है, कोई दिखा के करता है, किसी का छिप जाता है किसी का छप जाता है। बस गलती ये हुई कि त्रिशाकर जी का छप गया, बिल्कुल, और बहुत लोगों का छिप जाता है। अच्छा, तो सवाल आपसे ये है कि पवन सिंह ने त्रिशाकर मधु का हाथ थामा तो शिवेश मिश्रा कितना सपोर्ट में? बहुत ज्यादा, फुल सपोर्ट में। हम ही नहीं, हमारे साथ मैक्सो हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर विक्रम सर हैं, ये भी बताएंगे आपको कि ये भी सपोर्ट करेंगे। आप क्या सोचते हैं, पवन सिंह ने त्रिशाकर मधु का हाथ थाम के भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचा ले जा रहे हैं या नीचा ले जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, चूंकि पवन जी एक ऐसे कलाकार हैं, ऐसे स्टार हैं कि चूंकि जिसका भी हाथ थाम लेंगे वो मतलब अर्श लेके फर्स्ट तक जो है वो पहुंच जाएंगे, लास्ट तक पहुंच जाएंगे, मैंने ठीक ना। तो यही मिस्टेक जो है उनके चुनाव में जो है एक दादी मैंने की थी, वही चीज सर को याद होगा, दिमाग में आ गया है ना, ठीक ना। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत अच्छी अदाकारा है, और मैं भी पर्सनली उनको, मैं कई वीडियो और कई गाने में उनको देखा है और सुना है, मैं कई उनको मंच पर भी मैंने देखा है, मैंने उनका शो को देखा है, नजदीक से देखा है, और बहुत ही हमारे ही तो रिसेप्शन में गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी मैंने मिला था उनसे, और बहुत ही मतलब
एकदम सोवर नेचर की लड़की है, मैंने इतना फिर भी उसको अगर इस तरह के लोग साजिश के तहत अगर कोई बदनाम करता है तो कहने के वो निंदनीय है। और मैं कहूँगा कि जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, जितने भी हमें जानते हैं और मैं जिनको जानता हूँ, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि उनको अभी से भी उनको काम दें और उनके साथ काम करें और भोजपुरी में एक उनका अलग पहचान बने। अच्छा, आपसे एक सवाल है, क्या त्रिसागर मधु को आप अपने साथ काम करना पसंद करेंगे? क्या आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा छवि खराब होगा उनके साथ? मैं ऑलरेडी काम किया हूँ उनके साथ, अभी 2 महीना पहले। अच्छा, हमारे साथ कार्यक्रम शूटिंग की हैं, कार्यक्रम की हैं, मैं करता हूँ। अब मैंने क्या बोला, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे जाए। आप समझदार हैं तो सारे लोग भी समझदार हैं। अब हो गया, वीडियो था, लोगों ने दोगलाईगिरी किया उनके साथ जिसके वजह से ऐसा हुआ, तो ये भी गलत है। हालांकि लोग इंटरटेनमेंट करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, आप सब कोई भूल गया इस बात को, वो गलती थी, इनकी भी नादानी थी जिसके वजह से ऐसा हुआ। अब वो भी संभल कर काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा नाम कर रही हैं, भोजपुरी को आगे बढ़ा कर, बंगाल से आकर लड़की और हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ा रही है, तो हमारा सीना तो फख्र से चौड़ा होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, इतना खोटी खोटी सुनने के बाद, इतना ताना सुनने के बाद जो है आज फिर से खड़ा होकर एक ऐसे स्टार के साथ काम कर रही है जिसको लोग पावर स्टार कहते हैं। अब उनके साथ जो जो काम करते हैं ना, तो लोग उसके लिए गलत लांछन भी उड़ा देते हैं कि पवन सिंह के साथ काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ बात होगा। तो ये सब बात ऐसी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, दिल जिससे मिलता है उसी से होता है वैसा। तो अब पवन सिंह का दिल किससे मिला वो जाने, और जिसका दिल उनसे मिला वो जाने। अब काम करे तो इसका मतलब उसमें फसाद वही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, गलत है उस आदमी का सोच। जब त्रिसागर मधु ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर यह शेयर किया कि बिग ब्लास्ट कमिंग सून विद पावर स्टार, तो लोगों ने लगातार नीचे से लिख दिया कि लगता है फिर से वीडियो आने वाला है, तो ऐसे में डिमोटिवेट भी तो होती होंगी। डिमोटिवेट तो होता है इंसान, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको चाहता हूं कि आप खूब एकदम तरक्की करें, हम लोगों का साथ प्यार है। लेकिन पवन सिंह सर से भी एक निवेदन होगा मेरा, या खेसारी लाल यादव सर से भी, कि आप लोग केवल लड़की को काम देते हैं, लड़के लोग भी अच्छे अच्छे टैलेंट वाले हैं, उनको भी काम दीजिए। अच्छा, इसलिए स्पेशल निवेदन है। हाँ, स्पेशल निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे काम मत दीजिए आप, लेकिन और लड़के बहुत सारे टैलेंटेड हैं इस बिहार में, इस यूपी में, झारखंड में, जो भोजपुरी को एकदम समर्पित भाव से डांस इतना अच्छा करते हैं, गाते इतना अच्छा है, तो आप लोग उनको काम क्यों नहीं देते हैं? शायद इस वजह से कि मेरा पता कट जाए, नहीं, या फिर कुछ और वजह है। तो अगर आप इस वजह से काम नहीं देना चाहते हैं कि मेरा पत्ता कट जाए, तो फिर काम लड़के को भी दीजिए आप। और वो सभी बेचारा आपको बहुत दिल से चाहने वाला लोग है, उम्मीद से चाहता है, तो आप उसको भी काम दें। लड़की लोगों को तो काम आप हमेशा देते ही हैं, कभी वो वायरल होती है तो कभी उसको टांग के ले जाते हैं, कभी वो वायरल होती है तो उसको टांग के ले जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है आम पेरेंट्स का, भोजपुरी समाज के जितने भी लोग देखते हैं, व्यूवर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनका सवाल है, जिनकी बेटी जो है चाहती है भोजपुरी में काम करना, तो उनके मन में ये सवाल चलते रहता है कि क्या भोजपुरी में काम करने के लिए हर एक जो हीरो है या कोई मतलब कलाकार है उनके साथ बिस्तर होकर जाना पड़ता है तभी काम? नहीं, सुन लीजिए, इसकी बात का जवाब मैं एक बार में आपको देता हूँ, आपकी बेटी या इस इंडस्ट्री में आएगी तभी बिस्तर होकर जाना पड़ेगा, आप कितना देर तक देख रेख करिएगा? क्या इस इंडस्ट्री से अलग लड़की का कहीं और चक्कर नहीं होता है क्या? मैं तो देखता हूँ पटना में बोरिंग रोड पर थोड़ा देर खड़ा हो जाइएगा ना, कोई लड़की गायिका कलाकार डांसर नहीं है, वो सब हॉस्टल की लड़कियां हैं एक से एक, और इतने रुतबे में चलती है बॉयफ्रेंड के साथ कि कल कुछ शादी होगा तो क्या जवाब देगी अपने पति को पता नहीं। या कोई लड़का किसी लड़की के साथ इस तरह से चलता है, जिस तरह से आगे शादी हो तो उसका क्या जवाब देगा अपने वाइफ को? जो लड़की पढ़ लिख रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, कोई मेडिकल की तैयारी कर रही है, उन लोगों का ये हाल है सर, आप तो देखते ही होंगे ना, आप तो रात रात आपका यहाँ मीठापुर में इनका यूनिवर्सिटी के सामने ही है, तो ये तो सारा चीज आंख से देखते ही होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बदनाम भोजपुरी ही ज्यादा होता है कि अगर बिटिया चली गई भोजपुरी में, कलाकार पिता जब भोजपुरी में जाए तो बड़ा गंदा है, और उनको एकेडमी में भेज दिए या फिर यहाँ यूनिवर्सिटी में भेज दिया, वो इधर गुपचुप खा रही है, खिला रही है, तो ठीक है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में चली गई तो गड़बड़ है, ये बिल्कुल गलत है। आप गांव की लड़की, कहते थे कि पहले गांव में ये होता था, गांव में वो होता था, गांव की अच्छी लड़की है, गांव में भी वही हाल है, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री चाहे नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री, सब फ्री कर दिए हैं सारा चीज, अब तो 18+ लड़की, 21+ लड़का, 18+ लड़का लड़की कहीं भी कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोर्ट ने भी अनुमति दे दिया, तो अब मरता क्या ना करता, अब कर क्या सकते हैं, आप पिता होके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा यही निवेदन है,
कि इंडस्ट्री को बदनाम ना करें आप लोग, इंडस्ट्री में लोग वैसे हैं तो इंडस्ट्री के अलावा भी तो लोग वैसे ही हैं, कोई छिप के करते हैं कोई छप के करते हैं, तो बस ये सब जो है। अगर कोई बिटिया चली जाती है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो सवाल खड़ा हो जाता है कि बिटिया तो बिगड़ गई, उनका अब कहानी खत्म हो गया, ऐसे सवाल जो है। माँ बाप बहुत हिम्मत वाले हैं जो अपने बेटी को इतनी ताकत और हिम्मत देकर इंडस्ट्री में भेजते हैं, है माइका लाल कितना लोग है जो अपने बेटी को लेके आ सकता है कलाकारी लाइन में, इसके लिए जिगर चाहिए जो अपने बेटी को इस लाइन में भेजता है। क्या वो ओरिजिनल मर्दराज आदमी होगा जो उसका बाप होगा, और उसकी माँ होगी ओरिजिनल लक्ष्मी के रूप में जो अपने बेटी को इस इंडस्ट्री में भेजती है। सबका तो लांछन लगाने वाले तो लाखों है। अरे लांछन तो घर में लग जाएगा, घर में बेटी बन रहेगी तब लांछन लग जाएगा। सही बात, लांछन लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, उनका काम है। अब रही बात, आ जाइए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके, कुछ लड़कियां भी हमारा इंडस्ट्री को बर्बाद कर दी हैं। अब वो उस तरह की लड़कियां हैं जो कहती हैं कि पहले मेरे साथ सर काम किया, एल्बम करवाया, फिल्म करवाया, फिल्म में साथ किए काम, और कहता है कि अब हम बिस्तर होना पड़ेगा सर। बताइए तो तुमको पहले सोचना चाहिए था ना यार, नहीं होंगे हम बिस्तर, हमको नहीं चाहिए काम फिल्म में, हमको एल्बम नहीं चाहिए, जाओ तुम्हारा एल्बम भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे काम, है कि नहीं। लेकिन उस समय काम कर लिए, और जब काम निकल गया, अब जब दूसरे के साथ आपका इंट्रेंगल हो रहा है, तब आपको लग रहा है कि नहीं अब इसको इसके साथ हम बोलें तो आप हम बिस्तर की बात करते हैं, उस समय आपको सोचना चाहिए कि आदमी मेरा हाथ थामा तो निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा। उस समय आप सोच लेती तो आज ये दिन आपको नहीं देखना। इसमें बराबर के दोषी हैं लड़का और लड़की दोनों, ये नहीं कि केवल लड़की, सरकार लड़की के तरफ से बहुत बोलती है कि लड़की को ये सुरक्षा, तो लड़कों को कौन सुरक्षा देगा, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिलहाल जो है इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया, अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, त्रिसागर मधु ने पवन सिंह के साथ फोटो शेयर किया, उसके बाद लिखा कि बिग ब्लास्ट कमिंग सून। तो आपको बता दें कि इस चीजों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा है उन पोस्ट को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजपुरी।